उदयपुर शहर से सटे सोभापुरा ग्राम पंचायत के निवासियों ने आज क्षेत्र में बिजली पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर ग्राम पंचायत की तालेबंदी कर दी और कार्यालय में कार्य कर रहे कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। तालाबंदी के बाद सोभापुरा ग्राम पंचायत के निवासियों ने ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर शुरू कर दिया है। सोभापुरा ग्राम पंचायत की सरपंच जसोदा डांगी ने बताया कि पिछले गुरुवार को सोभापुरा ग्राम पंचायत में हुई जनसुनवाई में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई थी और उसके बाद अधिकारियों ने एक सप्ताह के अंदर कार्य करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ और इसके बाद आज ग्राम पंचायत कार्यालय पर तालाबंदी कर आमरण अनशन किया जा रहा है। वहीं उप सरपंच भूपेंद्र पालीवाल ने बताया कि सोभापुरा क्षेत्र में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और सोभापुरा के निवासी यूडीओ नगर निगम के बीच में फंस रहे हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र में सफाई नहीं हो पा रही है और डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं जसोदा डांगी, मैं सोभापुरा सरपंच हूँ और हमारे जो गए गुरुवार को हमारे जन सुनवाई हुई थी उसमें यूआईटी अधिकारी भी मौजूद थे और उन्होंने हमारे इस नेक्स्ट गुरुवार तक जो भी हमारी मांगे थी, जो भी हमारे काम थे, उन्होंने करने का वादा किया था और अभी तक पूरा सप्ताह हो गया है और कोई भी काम उन्होंने नहीं किया है। तो इसीलिए हम इस गुरुवार को हम अनशन पर बैठे हैं। सभी ग्रामवासी हमारे मौजूद है, वार्ड पंच साहब सब मौजूद है और हम यूआईटी और निगम के बीच में पीस रहे हैं। यूआईटी निगम के ऊपर दे रही है कि निगम अब करेंगे। मुख्य मांगे हमारी नाली, सड़कें और साफ सफाई की है और अतिक्रमण ये हटाओ और हमारे सोभापुरा को स्वच्छ बनाओ, हमारी यही मांगे। आज हमने क्या किया? आज हम सब ग्रामवासी और हमारे वार्ड पंच हम सब लोग अनशन पर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि कोई यूआईटी पंचायत में हमने तालाबंदी भी करी है और हम चाहते हैं कोई यूआईटी अधिकारी आए और हमारी सुनवाई करे। मैं भूपेंद्र शिमाली, उप सरपंच सोभापुरा। पिछले सप्ताह हमने जब प्रेशर डाला तो जन सुनवाई में पहले तो कोई आता नहीं था, एक अधिकारी आता था। इस बार फर्स्ट टाइम जन सुनवाई में हमारे यहाँ यूआईटी के अधिकारी गए आगे। उनको हमने हमारी मांगे रखी थी कि हमारे सोभापुरा वासियों की स्थिति ऐसी कर रखी है कि हम किसी पाकिस्तान या भारत के बॉर्डर पर रह रहे हैं, हमारी कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ कहने के लिए कि हम सोभापुरा वासी हैं। बाकी हमारे यहाँ ये कंडीशन है कि हर घर में आज एक डेंगू का मरीज हो चुका है, इतनी गंदगी फैली हुई है और इसके अलावा पूरी सड़कों पर यूआईटी द्वारा लोगों को अतिक्रमण करने दिया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं जो 100 फीट का रोड है उसको 30 फीट का रोड बना के दिया है और सफाई की व्यवस्था की कचरा गाड़ी बिल्कुल आनी बंद है। कहते निगम को ट्रांसफर कर दिया, निगम कहते यूआईटी को ट्रांसफर कर दिया। अगर हम सोभापुरा ग्रामवासी जाएं तो जाएं किसके पास, कौन सी सरकार के पास है? आज हमने ये क्या है, हमारी पंचायत को तालाबंदी कर दी है और हम आमरण अनशन पर बैठे हैं ताकि कम से कम जन सुनवाई जाए, हमारे ऊपर से उच्च अधिकारी है माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी बात जाए कि नीचे जनता कितनी पीड़ित है। उनको बाहर निकाल दिया गया है, बाहर निकल गए वो स्वतः ही, तो ताला लगा दिया है इसलिए पंचायत को। हर इंसान का सपना घर हो अपना, वो भी मात्र 21 लाख में, शहर के पास शांत वातावरण में। उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है गोकुल धाम सोसाइटी, उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर, डबोक में मकान ही मकान और मकान की ये टाउनशिप जिसमें आप पाएंगे 1100 वर्ग फीट प्लॉट में 2 BHK रूम के साथ किचन, अटैच लेट बाथ, कार पार्किंग, बोरवेल, सभी सुविधाएं एक साथ आबादी के मध्य। तो इंतजार किस बात का, बुक कराइए इस रक्षाबंधन से दीपावली के बीच मकान और पाएं खुद का आशियाना। पहले आए पहले पाएं, हमारी विशेषताएं। उदयपुर एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित आवासीय मकान योजना, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर मकान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामटीकरण के साथ SDO कन्वर्ट मकान। हमारा ऑफिस पता है 212 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार के सामने, रीति स्टैंड, उदयपुर। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748, 9119272687। मकान के लिए संपर्क करें 9928543748, 9119272687।